पंजाब न्यूज़ अपडेट वालों आप सब स्रोतियां नूं सत श्री अकाल। शुरुआत करते हाँ अज की खबर। पंजाब ने सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दियां मुश्किलां वध रहियां हन। प्रोफेसर बलवीर कौर की खुदकुशी नूं लै के सियासी पार्टियां तो बाद किसान जथेबंदियां भी हरजोत बैंस खिलाफ डट गई हैं। किसान जथेबंदियां वालों सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस खिलाफ केस दर्ज करन दी मंग कीती है। इस दे नाल ही घटना का नोटिस लैंदे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि खुदकुशी नोट विच लाए दोषां दी डूंघाई नाल जांच करके उस दी मौत लई जिम्मेवार लोग खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहीदी है। इस तरह तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इस मामले के खुदकुशी लई मजबूर करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दी हदायत कीती है। भारत किसान यूनियन एकता वालों रुजगार खेत्र सिक्ख्या मंत्री दी कोठी अगे 1158 प्रोफेसर जूनियर के झंडे दिन रात के धरने में शामिल प्रोफेसर बलविंदर कौर खुदकुशी लई मजबूर करने वाले दोष हेठ सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग की है। जथेबंद प्रधान जगजिंदर सिंह ने जनरल सकत्र ते सुखदेव सिंह कोकरीवाल कला वालों बलविंदर कौर के परिवार को अफसोस जाहिर किया गया। उन्होंने दोष लाए कि बलविंदर कौर के हाथ लिखित खुदकुशी नोटिस में सिक्ख्या मंत्री बारे ठोस सबूत होने के बावजूद पंजाब सरकार वालों केस दर्ज करने तो टाला वटाला जा रहा है। इस तरह के भारत किसान यूनियन आल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी पंजाब भारत किसान यूनियन ते आज़ाद किसान संघर्ष कमेटी के आगुआ ने भी परिवार नाल हमदर्दी प्रगटाई। बलबीर सिंह राजेवाल ने प्रेम सिंह भूम ने कहा कि सुसाइटी नोट अनुसार मंत्री हरजोत सिंह बैंस खिलाफ केस दर्ज करना बनता है। खबर नूं अंत तक वेखण लई आप सब का धन्यवाद। खबर नूं लाइक अते शेयर जरूर करो। थोड़ा एक एक लाइक साढ़े लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।